ओके सो हम बात करने जा रहे हैं आज की क्लासेस में वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग, और आज हमारे वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग की पहली क्लासेस है। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज को जानिए कि वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग क्या है, थोड़ी सी थ्योरिकल पार्ट को जानेंगे तो बेटर रहेगा, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो थ्योरी जानने से उसके रूल्स रेगुलेशन समझ में आ जाती है तो हमें प्रैक्टिकल में करने में दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर वीवीए का यूज होता कहां पे। पहली चीज को जानते हैं कि वीवीए, या फिर से पहले हम जानते हैं कि वीवीए है क्या। तो सर वीवीए अगर सिंपली मैं बोलूं, जरा मैं कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, सिंपल सी बात समझ लीजिए कि वीवीए हमें एक लैंग्वेज दिया गया है, एक एक्सेल से बातचीत करने का लैंग्वेज दिया गया है। जो फंक्शंस, जो फीचर्स एक्सेल में अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल है तो आपके हिसाब से आप नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से काम करने लायक वो फीचर डेवलप कर सके। ओके वो फीचर डेवलप कर सके। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं मैं आपको, तो मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, एक छोटा सा डेटा देख लीजिए। ये सुबह ही किसी ने मुझसे सवाल पूछा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये चीज चिपका दूं, क्योंकि मेरे एग्जांपल तो किसी ने किसी की सवाल ही होती है ना सर। तो मेरे पास इस तरह का डेटा है, राइट, इस तरह का डेटा है जो कि आप देख रहे हैं। अब बात है कि मुझे इसको करना है, इसकी जो डॉलर साइन, इसको राउंड करना है, इसकी जो डेसिमल प्लेसेस है उसको राउंड अप करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कौन सी बड़ी बात है सर, हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से कम कर देते हैं, हो गया राउंड, दो डिजिट में करना है, अच्छे दो डिजिट में मैंने कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि आपने जस्ट विजुअल चेंज किया। आपको मैं एक्सेल की क्लास में बताया था कि किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग जो है सिर्फ विजुअलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं करता है। ओरिजिनल जो वैल्यू जैसा होगा वैसा ही रहेगा। जैसे कि आपने यहाँ पर 4.5 सेट कर दिए, बट एक्चुअल में 4.5857260199849 है। बट मुझे क्या करना है, इसको एक्चुअल में करना है। तो मेरे लिए, मेरे पास इसका फीचर है, हम यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला लगा देंगे। किसका? राउंड का। और राउंड फॉर्मूले में हम यहाँ पे कॉमा जीरो, जीरो नहीं, टू प्लस करना है, तो टू प्लस कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप पढ़ा तो रहे थे, वीवीए की बात की है और आप बता रहे हैं एक्सेल, तो आप कंपेयर कीजिए एक्सेल और वीवीए में, उसके बाद अप्लाई कीजिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि फिर इसको कॉपी करके फिर इसके ऊपर मुझे वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगा। प्रोसीजर है लेकिन लंबा प्रोसीजर है। अब लंबा प्रोसीजर है तो आप जैसे एक्सेल की ज्ञाता, एक्सेल के दिग्गज यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई पर्सन है जिसको कुछ टूल्स बना के देना है, जिसको एक्सेल की नॉलेज उतनी नहीं है, वो एवरेज है, क्योंकि उसका काम एक्सेल पे काम करना नहीं, उसका फील्ड कुछ और है। जैसे एक कैशियर की बात करें, उसका काम है कैश मैनेजमेंट करना, कैश की एंट्री सिस्टम में करना। अब उसको एक्सेल बोले तो एक्सेल क्यों नहीं आता है, तो एक्सेल करना, एक्सेल को यूज ही नहीं है। अब उसके लिए कोई टूल्स बना के दोगे तो कॉम्प्लिकेटेड दोगे, तो वो तो पहले समझ नहीं पाएगा, समझ लेगा तो यूज नहीं कर पाएगा और ना यूज करना चाहेगा, राइट सर। तो वही चीज यहां पे होती है। तो यहां पे कुछ ऐसा टूल्स बनाना है कि जिस हम सिलेक्ट करें और अप्लाई करें, सिलेक्ट करें और अप्लाई करें और फीचर उस पर अप्लीकेबल हो जाए। तो यहां पे वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग यूज करेंगे और हम जाएंगे मॉड्यूल्स वन में और एक छोटा सा कोड मैक्रो लिखेंगे कि सब आरएनडी ब्रैकेट ओपन करें और यहां पे देंगे कि डिम। अरे कोड क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बस आप यूज देखिए मैक्रो का, कि मैक्रो का यूज क्या होता है। सब चीज ये पहले समझाना जरूरी है। अब यहां पे हम
चार लाइन का कोड लिखना है और हमारा ये बन गया, हमारा ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है और यहां से मैक्रो अप्लाई कर देना है। हो गया। अब यहां पे 8.83 दिख रहा है, बट यहां देखिए 8.80 ही है, एक्चुअल भी वही है, जबकि इससे ऊपर में अलग था, विजुअल कुछ और दिख कुछ और रहा है, यहां पे एक्चुअल भी वही है। और यहां तक ये मान लीजिए कि नहीं मुझे माइक्रो में जाके क्लिक करने में दिक्कत होता है, तो आप इसके लिए एक ऑप्शन पे जाके इसके लिए शॉर्टकट बना दीजिए, मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर दिया। अब मुझे इसको अप्लाई करना होगा, जस्ट कंट्रोल शिफ्ट क्यू अप्लाई करूंगा, यहां पे देखिए रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो गए। तो वीवी का यूज होता है चीजों को आसान करना। अब यहां पे एक दिक्कत और भी है, क्या वीवी चीजों का आसान करने का मतलब है कि हम हर चीज में कुछ कुछ बनाते रहेंगे? जी नहीं, उस पर हम बाद में आते हैं, पहले हम वापस चलते हैं कि VBA जो है, एक VBA जिसका बेसिक विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, बट ए आपका VB6 नहीं है, ध्यान रखिएगा। VB6 से मिलता जुलता प्रोग्रामिंग है बट VB6 नहीं है, मतलब कि VB6 की मदद से आप एक प्रोग्राम बनाते थे, मतलब कि exe फाइल जिसको रन किया जा सकता था, बट ए प्रोग्राम VBA प्रोग्राम नहीं बनाता है। VBA माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक नए टूल्स को डेवलप करता है। अब मैं यहां पे एक्सेल का जिक्र क्यों नहीं किया, मैं यहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्यों बोल रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारी VBA प्रोग्रामिंग वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आउटलुक एक्सेस सब एप्लीकेशन में वर्क करता है। सो यहां पे VBA एमएस ऑफिस के लिए यूज होगा, बट VB6 अलग है, लेकिन दोनों की प्रोग्रामिंग 40-50% मिलती जुलती है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि VBA और VB6 बहुत ज्यादा सेम। VB6 आपका विजुअल बेसिक स्टूडियो है, जहां पे हम .NET वगैरह का इस्तेमाल करके एक नया प्रोग्राम डेवलप करते हैं, चाहे वेब बेस्ड हो या कंप्यूटर बेस्ड हो। अब VBA से हम करेंगे क्या, तो आपने एग्जाम्पल देखा यहां पर, तो क्या क्या बना सकते हैं, क्योंकि हमने अभी माइक्रोज बनाया, और क्या कर सकते हैं। तो VBA अगर फैक्ट्री है जिसके प्रोडक्ट के बारे में जानिए, सबसे पहला प्रोडक्ट होता है माइक्रोज, दूसरा होता है फंक्शन, और तीसरा होता है यूजर फॉर्म। ओके, तीसरा क्या होता है, यूजर फॉर्म। अब यहां पे एक चीज देखिए कि माइक्रोज तो आपने देख लिया, माइक्रोज ये ऑटो पायलट की तरह काम करते हैं कि आपको क्या करना है आप कोड के जरिए समझा दीजिए। जैसे हमने बोल दिया कि फॉर इज सिलेक्शन, मतलब कि सिलेक्शन के हर एक सेल में जाओ और आर की वैल्यू को फॉर्मेट चेंज करके वैल्यू से रिप्लेस कर दो। हमने यहां पे अपने इंस्ट्रक्शन दे दी और उसी तरह से काम करें, बस फर्क क्या है कि अगर मैं मैनुअल करता 64.33 करता उससे 1000 टाइम फास्ट इसने काम किया है। जैसे कि एक प्लेन को ऑटो पायलट रन करता है, सॉरी फ्लाई करता है, रन तो नहीं फ्लाई करता है, सेम उसी तरीके से माइक्रोस भी आपके दिए गए कमांड ऑफ लाइन या कोड ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग आपका काम कर देता, सेम उसी तरह से जिस तरह से आप मैनुअल करते हैं लेकिन आपसे 1000 गुना फास्ट करता है। तो माइक्रो के बाद बात आती है फंक्शंस की। फंक्शंस आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, जैसे वी लुकअप हो गया, एस लुकअप हो गया, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, लेकिन अब सारे फॉर्मूले आपके काम के अकॉर्डिंग तो नहीं होंगे। क्या हो सकता है, जैसे वी लुकअप में आप देख लीजिए, VLOOKUP में आप देख लीजिए क्या किया इसने, VLOOKUP में आपका रिपीटेड वैल्यू लुकअप नहीं कर पाता है, एक ही लुकअप करके देता है, एक ही कंडीशंस लेते हैं, मल्टीपल कंडीशंस नहीं लेता है, एरर देता है। तो अगर आप चाहते कि नहीं इससे बेटर फंक्शन बने, तो आप कोडिंग की मदद से फॉर्मूला बना सकते हैं, और ये फॉर्मूला हमारा एक्सेल को भी सपोर्ट करेगा और हमारे VBA मैक्रो को भी सपोर्ट करेगा। तो मैक्रो में भी हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ, जहां पे मुझे जरूरत पड़ती है कि मैं चाहता हूं कि 1000, मान लीजिए कि
एक ही मान लीजिए कि 50 लाइनों का या 20 लाइनों का या 10 लाइनों का एक कोड है जो कि 5-7 जगह पे हमें यूज करना है इस मैक्रो के अंदर, तो 5-7 जगह पे इतने लंबे कोड यूज करेंगे उससे अच्छा है कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर दें और उस फंक्शन को माइक्रो में जहां जहां चाहिए वहां वहां कॉल कर लें। ये चीज हम आगे आपको समझाएंगे, बट ये समझ जाइए कि माइक्रोज के फंक्शन के जरिए हम वी लुकअप जैसा या ऐसे बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं ऐसे एक्सेल के फॉर्मूलेज बनाते हैं अपने हिसाब से, उस फॉर्मूले को हम एक्सेल के सीट पे या वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा आता है यूजर फॉर्म, मतलब कि इंटरफेस, मतलब जैसे अब मैंने पीवट अप्लाई किया तो पीवट अप्लाई करते समय आप देख रहे हैं कि एक पॉपअप आता है। अब क्यों आता है पॉपअप? क्योंकि पीवट अप्लाई करते समय कई सारे कंडीशंस हैं कि आपको टेबल पे देना है या रेंज पे देना है या आपको इस पे टेबल पे देना है या रेंज पे देना है या आपको एक्सटर्नल डेटा सोर्स चाहिए या नई सीट पे चाहिए, एक्सटर्नल कस्टमर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए, उसका लोकेशन क्या होगा, ये सारे मेथड है। अगर मान लीजिए कि अगर ये इंटरफेस ना दिया होता तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे रखने पड़ते। कई सारे ऑप्शन होता है कि पिवट विथ रेंज, पिवट विथ एक्सटर्नल डेटा सोर्स, पिवट विथ रेंज विथ न्यू शीट, पिवट विथ रेंज विथ एक्सटर्नल डेटा विथ न्यू एग्जिस्टिंग शीट, तो अलग अलग कमांड होते। तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने क्या किया, एक आपको इंटरफेस दे दिया, आप अपने हिसाब से जो कुछ करना है कीजिए और ओके कीजिए, आपका काम हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंटरफेस। तो ऐसे पॉपअप या डायलॉग बॉक्सेस आप क्रिएट कर सकते हैं यूजर फॉर्म से। कब करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैक्रो है, जैसे कि एक मैक्रो बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरा चौथा, इस तरह से रन करना है तो वहां पे इसका इस्तेमाल हम करते हैं। क्लियर है सर? डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हैं, इसमें जो भी मैसेज बॉक्स चाहिए वो मैसेज बॉक्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया कि VBA के जरिए हम क्या क्या बनाएंगे, माइक्रोज, फंक्शन एंड यूजर फॉर्म। ठीक है प्रीतम जी, वीर सिंह जी, बाकी लोग जो भी है, चलिए यस सर, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक बात आती है कि हम VBA का इस्तेमाल कब करेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि मुझे इसकी जरूरत थी टूल्स बनाने के लिए, हमने कर लिया। यहाँ क्वेश्चन आता है कि सिचुएशन क्या रही होगी। अगर मान लीजिए कि मुझे सिर्फ इसको एक बार बनाना था, मुझे इसकी एक बार जरूरत थी, सिर्फ एक बार बनाना था, तो क्या मैं उस समय इस फाइल का, उस समय इस कोड का इस्तेमाल करूंगा? नहीं। तो हम माइक्रो का यूज कहाँ करते हैं? रिपीटेड काम, जैसे इसी काम को हम उसको हमेशा 10 दिन, हमेशा मतलब कि दिन में कई बार या हर दिन करना पड़ता है, तो हम उसके लिए टूल्स बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप ऑफिस जाने के लिए गाड़ी खरीदोगे, इंटरव्यू पे जाने के लिए नहीं खरीदोगे क्या? क्योंकि ऑफिस आपको डेली जाना है, इंटरव्यू आपको एक दिन जाना है, तो एक दिन के लिए गाड़ी खरीद के थोड़ी जाओगे आप।
तो इसलिए हम माइक्रो प्रोग्रामिंग का जो भी इस्तेमाल हम करेंगे वो करेंगे रिपीटेड वर्क के लिए। एक ही काम को मुझे बार बार करना पड़ता है, सेम प्रोसीजर होता है बट डेटा चेंज होता है। तो ऐसे चीजों के लिए हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और इसको ऑटोमेट कर सकता है। हो सकता है कि 100% ऑटोमेट हो जाए, हो सकता है कि 80-70% ऑटोमेट हो। तो आप अपने ऑफिस में दिन में, जैसे कि आप कोई रेगुलर आपके पास रिपोर्ट्स होते होंगे, वो 5 या 10 या 15 रिपोर्ट होते होंगे, तो आप 15 उस रिपोर्ट को ऑटोमेट कर दीजिए। जो भी आपका रिपीटेड वर्क है उसको आप धीरे धीरे ऑटोमेट कर दीजिए, और जो आपका मैनुअल वर्क होगा जो ऑटोमेट नहीं होता है वो आपको मैनुअल करना पड़ेगा, तो आपको कम काम करना पड़ेगा या भी बिल्कुल ना करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा सिचुएशन आता है लेंथी वर्क। काम तो एक ही बार आया है, काम जो है एक ही बार आया है लेकिन काफी ज्यादा लेंथी है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा डेटा मैं करता हूं, एकदम जी बैकग्राउंड शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लें। जैसे इसी वेबसाइट के लिस्ट को हम ले लेते हैं। अब इस वेबसाइट के लिस्ट को हमने यहां से कॉपी किया और मान लीजिए कि मैं अपने एक्सेल शीट पे पेस्ट कर देता हूं। एक्सेल शीट पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद प्रॉब्लम क्या है कि मान चलो मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे बना लिया अपना फाइल, मैं इसको कट करके नीचे डाल देता हूँ। ये हमारा डेटा आ गया, राइट। डेटा कितना है, मान लीजिए 100 का डेटा है या 200 का डेटा है, मैं इसको एक बार यहाँ से रख देता हूँ। अब प्रॉब्लम है कि जो डेटा है मेरा है ये डेटा सही नहीं है। मान लीजिए वेबसाइट का लिस्ट है तो यहाँ पे देखिए इंडिया लिस्ट डॉट कॉम है, अब डॉट कॉम क्या है, डॉट की क्या लोकान को डॉट कॉम डॉट कॉम है। तो लेकिन इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां पे करूंगा एडिट हाइपरलिंक, तो यहां पे आपको यहां पूरा डिटेल दिख रहा है। तो मैं एक एक को कॉपी करूं यहां पेस्ट करूं तो काफी टाइम हो जाएंगे, क्योंकि ये 200 है, 100 है, 200 माने 50 ही मान लीजिए, 50 है आपके पास, तो इसको करने में तो आपको घंटों लग जाएंगे। 500 हुआ तो और ज्यादा लगेगा, 1000 हुआ तो उससे ज्यादा लगेगा, 2000 हुआ, 10 लाख हुआ तो सर काफी महीना दिन साल बीत जाएगा, क्योंकि बहुत करेंगे तो एक दिन में मैं 500 हम कर पाएंगे, या बहुत स्पीड है आपके 1000 कर पाएंगे पूरे दिन में। काम हमारा एक ही बार है, मुझे एक बार इसका निकाल लेने के बाद मुझे इसकी दोबारा जरूरत नहीं कि काम करने में। कैसे करें, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे एक फंक्शन बना देंगे अपने लिए। मैं फंक्शन का जिक्र कर रहा था, मैं मरूज में गया, एक फंक्शन यहां बना देंगे। इस फंक्शन और यहां पे हम दे देंगे नाम URL। अभी क्या कर रहा हूं मैं बाद में बताऊंगा, सब यूज समझिए। ठीक है।
यहाँ पे मैं यू आर एल का फॉर्मूला लगाता हूँ और रिजल्ट आपके सामने। तो सिंगल क्लिक में हमारा लाखों का काम डेटा आ जाएगा, मतलब कि जो काम महीनों का था उसको हमने चुटकी में कर लिया सर। ठीक है सर। तो ये प्रॉब्लम समझ में आया कि आखिर हम एक्सेल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। इसका वीवीए का थ्योरिकल पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास? हेलो, यस सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो अब बात आती है कि सीखने के लिए क्या करना होगा। इसके लिए वीवीए सीखने के लिए आपके पास सबसे पहले तो प्रैक्टिस की टाइम होनी चाहिए। एक्सेल की नॉलेज और प्रैक्टिस की टाइम होनी चाहिए, दो चीज आपको चाहिए। एक्सेल की नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोगों ने एक्सेल सीखा है तो नॉलेज है ही। प्रैक्टिस की टाइम चाहिए। अब क्या है कि आपने जो एक्सेल की क्लासेस थे, खासकर मनोज जी एंड कुंदन जी, आप लोग होमवर्क टाइम पे नहीं देते थे, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते थे। मुझे पता नहीं कि आप क्या करते थे, क्योंकि मुझे आपके तरफ से आज तक एक भी फाइल नहीं मिली है। ऐसी भी है, अगर आपको वीवीए में रहेगा तो सीखना आपके लिए टाइम पास होगा। सॉरी थे, लेकिन जहां तक मुझे अनुभव लग रहा है, सीखना आपके लिए टाइम पास रहेगा। क्योंकि एक्सेल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सेल साहब फैमिलियर थे, क्योंकि एक्सेल साहब कई सालों पे एक्सेल में काम कर रहे थे। और एक्सेल पे हम तुक्का भी लगा सकते हैं कि हम इस पे क्लिक नहीं किए, इस पे क्लिक कर दिए, क्योंकि वो ग्राफिकल था हमारा। बट वीवी हमारा प्रैक्टिकल है। और ये आप बहुत लोगों को वीवी फर्स्ट टाइम आप यूज करने जा रहे होंगे, लैंग्वेज पूरा पता नहीं है, अगर पता भी होगा तो कॉपी पेस्ट किया होगा आपने गूगल से। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी कि अगर आप इसमें ध्यान नहीं देंगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और प्रैक्टिस की फाइल मुझे नहीं भेजेंगे, तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आखिर आप सीख क्या रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है, तभी मुझे पता चलेगा। तो अगर ऐसे बिहेव आप एक्सेल में, जैसे आपने एक भी फाइल मुझे नहीं भेजा था, दो तीन बार मैंने बोला भी था आपको, तो सर वीवीए सीखना टाइम पास होगा। भले ही आपको बुरा लग रहा हो, मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ इस चीज़ के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए और प्रैक्टिस आपको दबा के करनी पड़ेगी, क्योंकि वीवी अगर आप सीख लेते हैं तो समझिए कि आप एक्सेल में कुछ भी करने के लिए एलिजिबल होते हैं। 99% काम आप कर सकते हैं, हर फाइल को ऑटोमेशन कर सकते हैं। नहीं ऑटोमेट होगा, पूरी 100% ऑटोमेट नहीं होगा, तो सेमी ऑटोमेट तो होगा ही होगा ना सर। उसकी 60% आपने ऑटोमेट कर दिया, एक फाइल में एक घंटा लगता था, 60% आपने ऑटोमेट कर दिया, तो अगले टाइम में तो आपको आधे घंटे से भी कम लगेगा ना, 20 मिनट लगेगा फाइल में। तो ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑटोमेशन आपका टाइम बचाएगा, आपकी एक्यूरेसी बचाएगा। सिर्फ टाइम ही की बात नहीं हो रही है इसमें, आपको आपका एक्यूरेसी भी चेंज बताएगा, 100% बताए। जैसे कि यहीं पे देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला से निकाला, मैनुअल करता तो हो सकता है कि मैं इसी का निकाल के इस पे पेस्ट कर दूँ या इसी को दो बार पेस्ट कर दूँ, ऐसी ह्यूमन एरर हो सकती है। बट वीवीए में ह्यूमन एरर के चांसेस ना के बराबर है। क्या बोल रहे हैं वीर सिंह जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करें, वीवीए से रिलेटेड एक वेबसाइट है जो मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ, ये आपको भी रिकमेंड करूँगा। और मैंने भी शुरुआत में एक्सेल की बहुत सारे बेसिक चीज़ें वीवीए की बेसिक चीज़ें इसी वेबसाइट से सीखा था। ये मेरी वेबसाइट नहीं है, पहले बता देता हूँ, ये किसी और की वेबसाइट है, लेकिन अच्छी चीज़ है इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है आपका
excel-vva.com, सिंपल नेम है, याद कर सकते हैं excel-vva.com, excel-vva.com, इसमें 33 चैप्टर्स हैं, 1 से लेके 33 चैप्टर्स हैं, 3 सेक्शंस हैं, जितना हो सके उतने को पढ़ जाइए, ठीक है। फिर हम कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल क्लास के बारे में। बोलिए, कुछ पूछ रहे थे सर? सर एक बार दोबारा बोलना, excel-vba.com, excel-vba.com, जी हाँ। तो इसको आप लोग स्टडी कीजिए, फिर अगली क्लास